श्री श्री गुरु गौरांगो जयता। वैष्णव सिद्धांत माला, नौ प्रमेय सिद्धांत, पहला अध्याय। प्रश्न: परम आराध्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या आज्ञा दी है? उत्तर: उनकी आज्ञा ये है कि श्रीमद् मध्वाचार्य ने हम लोगों को गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त जिन नौ प्रकार के तत्वों का उपदेश दिया है, हमें उनका विशेष सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। प्रश्न: गुरु परंपरा किसे कहते हैं? उत्तर: समस्त गुरुओं के आदि गुरु हैं भगवान। उन्होंने कृपा करके आदि कवि श्री ब्रह्मा जी को भगवत तत्व का उपदेश किया। श्री ब्रह्मा से श्री नारद, नारद से श्री व्यास और व्यास से श्री मध्वाचार्य को क्रमशः उस तत्व की शिक्षा मिली थी। इस प्रकार गुरु शिष्य के क्रम अनुसार जो उपदेश प्राप्त हैं, उसी का नाम है गुरु परंपरा प्राप्त उपदेश। प्रश्न: श्रीमद् मध्वाचार्य ने जिन नौ तत्वों के उपदेश दिए हैं, वे क्या हैं? उत्तर: ये नौ तत्व इस प्रकार हैं। प्रथम, भगवान ही एकमात्र परम तत्व हैं। द्वितीय, वे ही निखिल वेदों के परम प्रतिपाद्य विषय हैं। तृतीय, विश्व सत्य है। चतुर्थ, भेद सत्य है, भगवान और जीव में, जीव और जीव में, जीव और जड़ में, जड़ और जड़ में, जड़ और भगवान में, ये पांच प्रकार के भेद हैं। पंचम, जीव भगवान के नित्य दास हैं। षष्ठ, जीवों में मुक्त और बद्ध आदि अवस्था भेद से तारतम्य है। सप्तम, भगवत प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है। अष्टम, भगवान का भजन भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का कारण है। नवम, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रमाण हैं। दूसरा अध्याय, भगवान ही एकमात्र परम तत्व है। प्रश्न: भगवान कौन है? उत्तर: जो अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा जीव और जड़ की सृष्टि करके उनमें ईश्वर स्वरूप से अनुप्रविष्ट हैं, तथा जो ब्रह्म रूप में उन सब से ऊपर चिंता से अतीत तत्व हैं, और जो पराशक्ति द्वारा प्रकाशित सच्चिदानंद स्वरूप में जीवों की भक्ति वृत्ति के विषय भूत हैं, उनका नाम भगवान है। प्रश्न: भगवान की शक्ति कैसी होती है? उत्तर: हम लोग भगवान की शक्ति का यथार्थ वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की शक्ति असीम है, किंतु हम लोग ससीम हैं, इसलिए उनकी शक्ति को पराशक्ति कहा गया है। हमारे लिए जो अत्यंत असंभव है, भगवान की शक्ति के लिए वे अनायास ही संभव है। इस अघटन घटन पटियसी शक्ति के द्वारा समस्त विपरीत धर्म भी एक ही साथ एक ही समय में प्रकाशित होते हैं। प्रश्न: क्या भगवान शक्ति के अधीन है? उत्तर: भगवान एक पृथक वस्तु है तथा शक्ति उनसे पृथक एक दूसरी वस्तु है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से अभिन्न होता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न होती है। प्रश्न: यदि भगवान ही एकमात्र परम तत्व है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण शक्ति का उपदेश क्यों किया है? उत्तर: ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये भगवान के नित्य गुण हैं। इनमें से किसी गुण के अधिक प्रकाश और किसी गुण के अल्प प्रकाश के अनुसार भगवत स्वरूप का प्रकाश भेद होता है। जहाँ पर जिस स्वरूप में ऐश्वर्य भाव प्रबल रूप से प्रकाशित होता है, उस स्वरूप को परम व्योमनाथ नारायण कहा जाता है, और जिस स्वरूप में माधुर्य भाव प्रधान होता है, उस स्वरूप को वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण कहा जाता है। अतः श्री कृष्ण ही भगवत तत्व के सर्वोत्तम प्रकाश हैं। प्रश्न: भगवान के स्वरूप कितने हैं? उत्तर: केवल एक ही है, वह चिन्मय, परम सुंदर, परम आनंदमय, सर्व आकर्षक, लीलामय और विशुद्ध प्रेम गम्य होता है। जीवों के स्वभाव भेद से उस एक ही नित्य स्वरूप के अनंत प्रकार के प्रकाश भेद हैं।
किंतु भिन्न भिन्न प्रकृति वाले जीव उन प्रकाश भेदों को पृथक पृथक एक एक स्वरूप मान लेते हैं। श्री कृष्ण स्वरूप ही नित्यानंद स्वरूप हैं। प्रश्न, श्री कृष्ण लीला क्या है? उत्तर, चित जगत के परम रमणीय विभाग का नाम श्री वृंदावन है। वहां पर सच्चिदानंद श्री कृष्ण नित्य लीला के संपादक रूप श्री श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप में नित्य विराजमान है। जीव का आनंद स्वरूप प्रकाशित होने पर वह अपराकृत वृंदावन में परमानंद स्वरूपनी श्रीमती राधिका जी की सहचरी के रूप में नित्य कृष्ण लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करता है। उस लीला में भय और मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। अजस्त्र चिदानंद ही उस लीला का एकमात्र उपकरण है। प्रश्न, कृष्ण लीला की प्राप्ति में क्या क्या बाधाएं हैं? उत्तर, दो बाधाएं हैं, जड़ बुद्धि और जड़ चिंता अतीत निर्विशेष बुद्धि। प्रश्न, जड़ बुद्धि का तात्पर्य क्या है? उत्तर, जड़ीय देश, जड़ीय काल, जड़ीय द्रव्य, जड़ीय आशा, जड़ीय चिंता और जड़ीय कर्म, ये सब अपने अपने प्रभाव से जिस बुद्धि को संकुचित किए होते हैं उसे जड़ बुद्धि कहते हैं। जड़ बुद्धि से अपराकृत श्री वृंदावन धाम जड़ भूमि जैसा दिखलाई पड़ता है। काल, भूत, भविष्य और वर्तमान तीन भागों में विभक्त दिखता है। नश्वर द्रव्य ही एकमात्र द्रव्य प्रतीत होते हैं। जड़ बुद्धि स्वर्ग आदि अनित्य सुखों की ही आशा करती है। वह जड़ चिंता के अतिरिक्त कोई दूसरी अपराकृत चिंता नहीं कर सकती। सभ्यता, नीति, शिल्प, विज्ञान और सांसारिक उन्नति आदि नश्वर कर्मों को ही कर्तव्य मानती है। प्रश्न, निर्विशेष बुद्धि किसे कहते हैं? उत्तर, जिस धर्म के द्वारा जड़ जगत के सारे द्रव्य परस्पर पृथक पृथक हैं, उस धर्म को विशेष कहते हैं। जड़ चिंता को त्याग करने के साथ साथ जो उक्त विशेष का भी परित्याग करते हैं उनकी बुद्धि निर्विशेष हो जाती है। ऐसे लोग वस्तु भेद नहीं देख पाते हैं। अंत में वे अपने को निर्वाण प्राप्त अथवा ब्रह्म में लय प्राप्त हुआ समझते हैं। उस अवस्था में आनंद नहीं होता। चित सुख का अभाव होने से प्रेम का भी लोप हो जाता है। कृष्ण लीला जड़ अतीत होने पर भी निर्विशेष नहीं बल्कि सब विशेष होती है। प्रश्न, यदि कृष्ण लीला जड़ से अतीत है तो अब द्वापर के अंत में वे कैसे दिखाई थी? उत्तर, कृष्ण लीला जड़ इंद्रियों से अगोचर है, किंतु श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से जड़ अतीत लीला जड़ जगत में प्रकट होती है। जड़ जगत में प्रकट होने पर भी वह जड़ मिश्र अथवा जड़ धर्म के अंतर्गत नहीं होती। प्रकट और अप्रकट दोनों ही अवस्थाओं में कृष्ण लीला सर्वदा विशुद्ध चिन्मय होती है। श्री कृष्ण लीला शुद्ध वैकुंठगत श्री वृंदावन की लीला है। ऐसा होने पर भी कृष्ण की अचिंत्य शक्ति और अपार करुणा से वह प्रपंच में अथवा जीवों के विशुद्ध हृदय में आविर्भूत होती है, किंतु संसार में प्रकटित होने पर जड़ बुद्धि वाले मनुष्य उस पूर्ण चिन्मय कृष्ण लीला का यथार्थ रूप में दर्शन नहीं कर पाते, बल्कि उसे एक जड़ीय कार्य विशेष समझकर तर्क और युक्ति के आधार पर समझने का प्रयत्न करते हैं। फल यह होता है कि वे वंचित होते हैं तथा उनमें अनेकों दोष दिखते हैं। जो व्यक्ति जगाई मदाई की तरह जड़ बुद्धि से छुटकारा पा लेते हैं वह इस तत्व को यथार्थ रूप में सर्वदा निर्दोष जानकर उसमें अनुरक्त हो पड़ते हैं। श्री कृष्ण तत्व को समझे बिना रस की प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न, श्री कृष्ण तत्व का उपदेश तो एकमात्र वैष्णव धर्म में ही पाया जाता है, फिर दूसरे धर्म वालों की गति क्या होगी? उत्तर, दूसरे धर्मों में जो ईश्वर, परमात्मा और ब्रह्म की उपासनाएं होती हैं वे सब कृष्ण तत्व को उद्देश्य करती हैं। जीव क्रमशः उन्नति करते करते अंत में कृष्ण भक्ति प्राप्त करता है। खंड धर्म समूह
संपूर्णता को प्राप्त होने पर अंत में श्री कृष्ण भक्ति हो पड़ते हैं। श्री कृष्ण तत्व में प्रांगत बुद्धि ही जीव का परम ज्ञान है। तीसरा अध्याय, वे अखिल वेद वेद्य हैं। प्रश्न, भगवत तत्व कैसे जाना जा सकता है? उत्तर, जीव के स्वतः सिद्ध ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। प्रश्न, स्वतः सिद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, ज्ञान दो प्रकार का होता है, स्वतः सिद्ध ज्ञान और इंद्रियों द्वारा अनुभूत ज्ञान। स्वतः सिद्ध ज्ञान विशुद्ध चैतन्य स्वरूप जीव का सत्तागत तत्व है, जो समस्त चित वस्तुओं की तरह नित्य होता है, उसी को वेद अथवा आमनय कहते हैं। बद्ध जीव के साथ वही सिद्ध ज्ञान अर्थात वेद ऋक साम यजु और अथर्व के रूप में आविर्भूत हुआ है, इन्हीं को स्वतः सिद्ध ज्ञान कहते हैं। साधारण लोग अपनी इंद्रियों की सहायता से जो भिन्न भिन्न विषयों को ज्ञान संग्रह करते हैं उसे इंद्रिय परतंत्र ज्ञान कहते हैं। प्रश्न, इंद्रिय परतंत्र ज्ञान से भगवत तत्व को जाना जा सकता है या नहीं? उत्तर, नहीं। भगवान समस्त जड़ इंद्रियों से अतीत होते हैं, इसलिए उनको अधोक्षज कहा जाता है। इंद्रियां तथा इंद्रिय पुष्ट मनोगत युक्तियां भगवत तत्व से अत्यंत दूर रहती हैं। प्रश्न, भगवान यदि स्वतः सिद्ध ज्ञान से ही पाए जाते हैं, तब तो हमारे अंदर जो स्वतः सिद्ध ज्ञान है उसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, फिर वेद शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता ही क्या है? उत्तर, स्वतः सिद्ध ज्ञान रूप वेद समस्त जीवों की शुद्ध सत्ता में वर्तमान है, ये ठीक है, किंतु बद्ध सत्ता के तारतम्य अनुसार वे वेद किसी के अंदर स्वयं प्रकाशित है और किसी किसी के अंदर आच्छादित रूप में वर्तमान है। स्वतः सिद्ध ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए लिपिबद्ध वेद समूह अवतीन हुए हैं। प्रश्न, सुना है कि भगवान भक्ति ग्राह्य हैं, यदि यह ठीक है तो उनको ज्ञान ग्राह्य कैसे कह सकते हैं? उत्तर, स्वतः सिद्ध ज्ञान का नाम ही भक्ति है। भक्ति और स्वतः सिद्ध ज्ञान पृथक नहीं है। परतत्व के संवेदन अर्थात अनुभव को कोई ज्ञान कहते हैं, कोई भक्ति कहते हैं। प्रश्न, तो भक्ति शास्त्र में ज्ञान को इतना है क्यों माना गया है? उत्तर, भक्ति शास्त्रों में स्वतः सिद्ध ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि स्वतः सिद्ध ज्ञान के अतिरिक्त जीव के अकल्याण का कोई दूसरा उपाय नहीं है। केवल इंद्रिय परतंत्र ज्ञान और निर्विशेष ज्ञान से जीव का यथार्थ श्रेय नहीं होता, इसलिए इन दोनों का तिरस्कार लक्ष्य किया जाता है। प्रश्न, वेदादि निखिल शास्त्रों में कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों का उल्लेख है, इनमें से किसके द्वारा भगवत तत्व जाना जाता है? उत्तर, संपूर्ण वेद वाणियों का समन्वय करने पर यह स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ेगा कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। वैदिक कर्म समूह भी अंत में भगवान को ही लक्ष्य करते हैं। ज्ञान भी परिशुद्ध अवस्था में विषय और निर्विशेष अभ्यात्मक द्वंद को छोड़कर अंत में भगवान को ही लक्ष्य करता है। भक्ति स्वभावतः भगवान का अनुशीलन करती है, अतः भगवान ही अखिल वेद वेद्य हैं। चौथा अध्याय, विश्व सत्य है। प्रश्न, कोई कोई कहते हैं ये जगत मिथ्या है और केवल माया निर्मित है, इसमें यथार्थ बात क्या है? उत्तर, ये जगत सत्य है किंतु नश्वर है। सत्य और नित्य इन दोनों विशेषणों के अर्थ अलग अलग हैं। जगत नित्य नहीं है, अर्थात ईश्वर की इच्छा से वे कभी नष्ट हो सकता है। जगत वास्तव में है, मिथ्या नहीं है। शास्त्र में कहीं कहीं जगत को मिथ्या कहा गया है, किंतु वहां पर मिथ्या शब्द का तात्पर्य नश्वर से है। प्रश्न, माया क्या है? उत्तर, भगवान की एकमात्र पराशक्ति के अनंत प्रकार के विक्रमों में से हमारे निकट तीन विक्रमों का परिचय
पाया जाता है। प्रथम चिद विक्रम, द्वितीय जीव विक्रम और तृतीय माया विक्रम। चिद विक्रम से भगवत तत्व का प्रकाश और उसकी स्फूर्ति होती है। जीव विक्रम से अनुचैतन्य स्वरूप अनंत जीव प्रकट हुए हैं और माया विक्रम से जो कुछ उत्पन्न होता है नश्वर होता है, किंतु जब पैदा हुआ है तब वह सब कुछ सत्य है। पांचवा अध्याय, भेद सत्य है। प्रश्न, जीव और भगवान जब दोनों ही चैतन्य पद वाच्य हैं तब उनका भेद क्या काल्पनिक है? उत्तर, नहीं, भगवान विभु चैतन्य है और जीव अनुचैतन्य है। उनका परस्पर जो भेद है वह काल्पनिक नहीं वास्तविक है। भगवान अपनी माया शक्ति के ईश्वर हैं, जीव माया के अधीन है। प्रश्न, भेद कितने प्रकार के हैं? उत्तर, दो प्रकार के, व्यवहारिक और तात्विक। प्रश्न, व्यवहारिक भेद कैसा होता है? उत्तर, घट और पट में व्यवहारिक भेद है, परंतु दोनों का कारण मिट्टी है। इस अवस्था में दोनों में भेद नहीं है, इस भेद का नाम व्यवहारिक भेद है। प्रश्न, तात्विक भेद किसे कहते हैं? उत्तर, जब दो पदार्थों में परस्पर कार्य और कारण दोनों ही अवस्थाओं में भेद होता है तब भेद को तात्विक भेद कहते हैं। प्रश्न, जीव और ईश्वर का भेद व्यवहारिक होता है अथवा तात्विक? उत्तर, तात्विक। प्रश्न, कैसे? उत्तर, जीव किसी भी अवस्था में भगवान नहीं हो सकता। प्रश्न, तब तत्वमसि आदि महावाक्यों का अर्थ क्या होगा? उत्तर, इसके द्वारा श्वेत केतु को उपदेश दिया गया है कि तुम जीव हो, तुम जड़ जातीय वस्तु नहीं बल्कि चैतन्य जातीय वस्तु हो। उपरोक्त तत्वमसि से जीव को विभु चैतन्य अर्थात ईश्वर मानना भूल है। प्रश्न, तो जीव और ब्रह्म संबंधी अभेद सूचक वाक्यों का व्यवहार क्या अनुचित है? उत्तर, जीव की दृष्टि से विचार करने पर भेद नित्य है, किंतु ब्रह्म की दृष्टि से अभेद नित्य है। अतः भेद और अभेद दोनों ही एक समय नित्य और सत्य हैं। प्रश्न, इस प्रकार का परस्पर विरुद्ध सिद्धांत कैसे माना जा सकता है? उत्तर, भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से समस्त विरुद्ध तत्वों का सामंजस्य संभव होता है। अल्प बुद्धि वाले जीव ऐसा होना असंभव मानते हैं। प्रश्न, फिर अभेदवाद का तिरस्कार क्यों सुना जाता है? उत्तर, अभेदवादी केवल अभेद को ही नित्य मानते हैं, भेद को वे अनित्य मानते हैं। श्री मध्वाचार्य ने भेद को नित्य प्रमाणित किया है, अतः अचिंत्य भेदाभेद में कोई दोष नहीं है, दोष है केवल भेदवादी अथवा केवल अभेदवादी में, क्योंकि इनमें से एक भेदवाद का पक्ष लेकर अभेद को अस्वीकार करता है और दूसरा अभेदवाद का पक्ष लेकर भेद को नित्य नहीं मानता। प्रश्न, केवल अभेदवाद किसका मत है? उत्तर, निर्विशेषवादी ही केवल अभेदवाद मानते हैं, सब विशेषवादी केवल अभेद को स्वीकार नहीं करते। प्रश्न, सविशेषवाद किसका मत है? उत्तर, सविशेषवाद सभी वैष्णव संप्रदायों का मत है। प्रश्न, वैष्णव संप्रदाय कितने हैं? उत्तर, चार हैं, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत। प्रश्न, इनके मतों में परस्पर क्या भेद है? उत्तर, इनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है, ये सभी सविशेषवादी हैं, केवल अभेदवाद को स्वीकार नहीं करते। ये सभी भगवत प्रायण हैं तथा भगवत शक्ति स्वीकार करते हैं। द्वैतवाद में भेद की नित्यता दिखलाई गई है, इनके मत से केवल अद्वैतवाद नितांत अंध मत है। यह मत मध्वाचार्य का है। विशिष्ट अद्वैतवादी का कहना है विशेष वस्तु विशेषण से युक्त है, अतः वे केवल अद्वैत नहीं है। यह मत रामानुजाचार्य जी का है। द्वैत अद्वैत मत ने केवल अद्वैतवाद का अत्यधिक स्पष्ट रूप में खंडन किया है। यह मत
निम्बादित्य आचार्य का है। शुद्ध अद्वैत मत ने भी केवल अद्वैत का तिरस्कार करके तत्व वस्तु को शुद्ध विशेषण से युक्त बतलाकर अपने मत को प्रामाण्य ठहराया है। भली भांति विचार करने पर उक्त चारों मतों में कोई भेद नहीं दिखाई देता है। प्रश्न, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल मध्व मत को ही क्यों ग्रहण किया? उत्तर, मध्व मत का विशेष गुण यह है कि इसमें केवल अद्वैतवाद रूप भ्रम का सबसे अधिक स्पष्ट खंडन है। इस मत का आश्रय करने से अभेदवाद रूप पीड़ा बहुत ही दूर रहती है। दुर्बल मनुष्यों के निश्चित मंगल के लिए ही श्रीमन महाप्रभु ने इस मत को ग्रहण किया था, किंतु इससे अन्य तीनों मतों को किसी प्रकार से लघु अथवा हे नहीं समझना चाहिए। सविशेषवाद जिस किसी भी मत में चाहे किसी भी रूप में क्यों ना पाया जाए, इससे जीव का नित्य कल्याण अवश्य ही साधित होता है। छठा अध्याय, जीव श्री हरि का दास है। प्रश्न, जीव का नित्य धर्म क्या है? उत्तर, कृष्ण दास से ही जीव का नित्य धर्म है। प्रश्न, जीव का विधर्म क्या है? उत्तर, अभेदवाद स्वीकार कर निर्वाण का अनुसंधान करना अथवा जड़ जगत सुख या सामर्थ्य का अन्वेषण करना ही जीव का विधर्म है। प्रश्न, इन्हें विधर्म क्यों कहा जाता है? उत्तर, जीव चिन्मय है, चिन्मय वस्तु मात्र का धर्म है आनंद या प्रीति। निर्विशेषवाद में आनंद नहीं है, केवल चरम विनाश ही निर्विशेषवाद का मूल प्रयोजन है। जड़ीय विशेषवाद में जीव के चित्त धर्मगत विशेष की हानि होती है। निर्विशेषवाद और जड़वाद दोनों ही जीव के विधर्म हैं। प्रश्न, जड़ीय सुख का अन्वेषण कौन करते हैं? उत्तर, इंद्रिय सुखों में आसक्त कर्म जड़ पुरुष ही कर्म मार्ग द्वारा स्वर्ग आदि जड़ीय सुखों का अन्वेषण करते हैं। प्रश्न, जड़ीय समर्थ का अनुसंधान कौन करते हैं? उत्तर, अष्टांग योग मार्ग से सिद्ध हुए योगी जन तथा षडंग योगी जन ये दोनों ही विभूति के प्रभाव से जड़ सामर्थ्य का अनुसंधान करते हैं। प्रश्न, जड़ जगत का सुख या निर्वाण तुच्छ होने पर जीव का बचा ही क्या रहता है? उत्तर, जीव का निजस्व सुख बचा रहता है। पूर्व कथित दोनों प्रकार के सुख ही सेवोपादिक हैं, निज सुखानुभूति ही निरोपादिक है। प्रश्न, निज सुखानुभूति किसे कहते हैं? उत्तर, जड़ संबंध रहित जीव का शुद्ध चैतन्यगत कृष्ण अनुशीलन रूप सुख ही निज सुख है। सातवां अध्याय, जीव का तारतम्य। प्रश्न, सब जीव क्या एक ही प्रकार के हैं अथवा उनमें कोई तारतम्य है? उत्तर, तारतम्य है। प्रश्न, कितने प्रकार के तारतम्य हैं? उत्तर, दो प्रकार के तारतम्य हैं, स्वरूपगत तारतम्य और उपाधिगत तारतम्य। प्रश्न, जीव की उपाधि क्या है? उत्तर, कृष्ण विमुक्ता के कारण माया जीव स्वरूप को ढक लेती है, यह माया ही जीव की उपाधि है। प्रश्न, सभी जीव निरुपाधि क्यों नहीं हुए? उत्तर, जिन्होंने भगवत दास्य के अतिरिक्त कुछ भी अंगीकार नहीं किया वे अपने स्वरूपगत निरुपाधिकत्व का परित्याग नहीं करते, उनका कृष्ण सान्मुख्य नित्य है, और जिन्होंने विषय भोगों को स्वार्थ मानकर कृष्ण विमुक्ता स्वीकार की वे माया निर्मित इस विश्व कारागार में बंद हो गए। प्रश्न, कृष्ण तो सब कुछ कर सकते हैं, यदि वे उस प्रकार की दुर्बुद्धि से जीव की रक्षा कर देते तो अच्छा था, उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया? उत्तर, इस विषय में यदि जीव को स्वतंत्रता नहीं रहती तो जीव का स्वरूप एक प्रकार से जड़ वस्तु के समान होता, उससे चिद वस्तु का जो स्वतंत्र आनंद है उसे प्राप्त नहीं करता। प्रश्न, जीव का स्वरूप क्या है? उत्तर, जीव चिद वस्तु है और आनंद ही उसका धर्म है। प्रश्न, स्वरूपगत तारतम्य कितने प्रकार के हैं? उत्तर, पांच प्रकार के हैं।
चिद जगत में पांच प्रकार के नित्य रस हैं। उन उन रसों में स्थित जीवों में स्वरूपगत तारतम्य है। प्रश्न, पांच प्रकार के रस कौन कौन हैं? उत्तर, पांच प्रकार के रस ये हैं: शांत, दास्य, सखे, वात्सल्य और श्रृंगार। प्रश्न, इन पांचों की पृथक पृथक रूप में व्याख्या करें। उत्तर, प्रथम, कृष्ण के प्रति संबंध रहित अनुरक्ति का नाम शांत रति है। द्वितीय, कृष्ण के प्रति संबंध युक्त किंतु संभ्रम युक्त अनुरक्ति का नाम दास्य है। तृतीय, संबंध युक्त संभ्रमहीन अतस्य विश्रम युक्त कृष्ण अनुरक्ति का नाम सख्य रति है। चतुर्थ, संबंध युक्त स्नेहपूर्ण कृष्ण अनुरक्ति का नाम वात्सल्य रति है। पंचम, सौंदर्य युक्त रागमय अवस्था को प्राप्त रति का नाम श्रृंगार रति है। प्रश्न, रति और रस में क्या अंतर है? उत्तर, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, इन चार सामग्रियों के साथ मिलकर जब रति पुष्ट होती है तब नित्य सिद्ध रस का उदय होता है। रस परमानंद स्वरूप है। प्रश्न, उपाधिगत तारतम्य कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम, आच्छादित चेतन जीव जैसे वृक्ष आदि। द्वितीय, संकुचित चेतन जीव जैसे पशु पक्षी। तृतीय, मुकुलित चेतन जीव जैसे भक्ति शून्य मनुष्य। प्रश्न, मुक्त और बद्ध के विचार से जीव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, तीन प्रकार के हैं। प्रथम, नित्य मुक्त अर्थात जड़ से परे। द्वितीय, बद्ध मुक्त अर्थात जड़ में है परंतु उनमें अबद्ध नहीं है। तृतीय, नित्य बद्ध अर्थात जड़ में अबद्ध जीव। प्रश्न, इनमें से नित्य बद्ध कौन है? उत्तर, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन और मुकुलित चेतन, ये तीनों प्रकार के जीव नित्य बद्ध हैं। प्रश्न, बद्ध मुक्त जीव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, दो प्रकार के हैं। प्रथम, विकसित चेतन अर्थात साधन भक्त और द्वितीय, पूर्ण विकसित चेतन अर्थात भाव भक्त। प्रश्न, नित्य बद्ध और बद्ध मुक्त जीव कहाँ रहते हैं? उत्तर, इस मायिक विश्व में रहते हैं। प्रश्न, नित्य मुक्त जीव कहाँ रहते हैं? उत्तर, चित्त जगत में अर्थात वैकुंठ में। प्रश्न, मुकुलित चेतन जीव कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, अनेक प्रकार के होते हैं। तत्व लाघव प्रक्रिया द्वारा अर्थात मोटे तौर पर उन्हें छह श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। छह विभाग ये हैं: प्रथम, असभ्य मूर्ख मानव जैसे पुलिंद शबर आदि। द्वितीय, सभ्यता जड़ अभिमान और शिल्प विज्ञान आदि से संपन्न मानव जिनमें नीति और ईश्वर विश्वास नहीं होता जैसे मलेच्छगण डोम आदि। तृतीय, निरीश्वर किंतु सुंदर नीति परायण मानव जैसे बौद्ध आदि। चतुर्थ, कल्पित ईश्वरवाद युक्त नीति परायण मानव जैसे कर्मवादी। पंचम, ईश्वर को स्वीकार करके भी भक्ति रहित मानव। षष्ठ, निर्विशेषवाद को ग्रहण करने वाले मानव, इनको ज्ञान कांडी कहते हैं। प्रश्न, इनमें किस प्रकार का तारतम्य वर्तमान है? उत्तर, आच्छादित चेतन से लेकर मुकुलित चेतन तत्व के जीवों का तारतम्य विचार भक्ति तत्व की उपयोगिता के तारतम्य के अनुसार होता है। विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन का तारतम्य स्पष्ट ही है। आठवां अध्याय, कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति ही मोक्ष है। प्रश्न, मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, लोक साधारणता सालोक्य शास्ति सामीप्य सारूप्य और सायुज्य को मोक्ष कहते हैं। उनमें सायुज्य निर्वाण और एकत्व रूप मोक्ष चिंता निर्विशेषवाद के अंतर्गत एक भ्रम मात्र है। वैसा मोक्ष जीवों के लिए चिंतनीय नहीं है। भ्रम की तरफ से विवेचन करने पर वैसी मुक्ति किसी प्रकार से सिद्ध तो होती है
किंतु जीवों के लिए उपयुक्त नहीं होती। जब युगपत भेदाभेद ही सत्य प्रमाणित हो चुका है, तब भेद नाशक केवल अभेदवाद स्थायी नहीं हो सकता है। प्रश्न, फिर यथार्थ मोक्ष किसको कहा जाए? उत्तर, विशुद्ध रूप में श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय पाना ही मोक्ष है। प्रश्न, श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लाभ को क्यों मोक्ष माने? उत्तर, श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्ति और जड़ संबंध से छुटकारा एक ही साथ होता है। छुटकारा कार्य थोड़ा होने पर ही फल प्रदान करता हुआ प्रेवसित हो जाता है। श्री कृष्ण चरणामृत पान करने का आनंद ही नित्य फल है, अतः मोक्ष और किसे कहें? प्रश्न, एक उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रदीप का जलना और अंधकार का दूर होना दोनों कार्य एक ही साथ होते हैं। अंधकार का नाश होना मोक्ष स्थानीय तत्व है और प्रदीप का आलोक कृष्ण चरणामृत स्थानीय तत्व है। प्रदीप का आलोक नित्य है और अंधकार का नाश कार्य नित्य नहीं है, वह किसी एक समय होता है। आलोक प्रकाश ही नित्य तत्व है। नवम अध्याय, विमल कृष्ण प्रेम ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। प्रश्न, श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति रूप मोक्ष कैसे पाया जा सकता है? उत्तर, विमल कृष्ण भजन द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति रूप मोक्ष पाया जा सकता है। प्रश्न, विमल कृष्ण भजन किसे कहते हैं? उत्तर, मायाबद्ध जीव कृष्ण सामुख्य लाभ करने के लिए जो मल रहित अर्थात विशुद्ध कृष्ण भजन करता है, उसे विमल कृष्ण भजन कहते हैं। प्रश्न, कृष्ण भजन के मल क्या क्या हैं? उत्तर, भोग की वासना, निर्विशेष गति लाभ करने की वासना और सिद्धि की वासना, ये तीनों भजन के मल हैं। प्रश्न, भोग वासना किसे कहते हैं? उत्तर, ऐहिक इंद्रिय सुख भोग, पार्त्रिक स्वर्ग आदि भोग और शुष्क वैराग्यगत शांति सुख, ये तीन प्रकार की भोग वासना है। प्रश्न, इंद्रियों के विषयों का त्याग करने से, परलोक में सुखजनक धर्म का त्याग करने से तथा वैराग्य का विसर्जन देने से शरीर की रक्षा कैसे होगी? जगत का कल्याण किस प्रकार साधित होगा और विषय आसक्ति जन्य कष्ट दूर कैसे होगा? उत्तर, इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं करना होगा, जगत कल्याणकारी धर्म का त्याग नहीं करना होगा तथा शांतिजनक वैराग्य का भी अनादर नहीं करना होगा, बल्कि उन विषयों में भोग की वासना और आसक्ति का त्याग करना होगा। प्रश्न, ये कैसे संभव है? उत्तर, जब तक वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाए, तब तक समस्त प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। इन कर्मों को इस प्रकार से करो कि उनसे तुम्हारी कृष्ण भक्ति के साक्षात अनुशीलन में सहायता मिले। उन्हें इस प्रकार से मत करो कि वे तुम्हारे कृष्ण अनुशीलन में बाधक हो। जो कुछ भी अवसर मिले, उसमें हर समय साक्षात अनुशीलन के कार्य द्वारा भक्ति वृत्ति को पुष्ट करते रहो। ऐसा होने से कर्म, धर्म और वैराग्य एक साथ मिलकर तुम्हारी परम उन्नति के साधक होंगे। प्रश्न, जब समस्त जड़ीय कर्म ही चित्त तत्व से विलक्षण होते हैं, तब इनके द्वारा चित्त स्वभाव की पुष्टि कैसे संभव है? उत्तर, समस्त विषयों में, समस्त ज्ञानों में तथा समस्त विषय संबंधों में कृष्ण भक्ति के भाव को युक्त करो। श्री विग्रह सेवा में समस्त इंद्रियों को लगा दो। कृष्ण प्रसाद सेवन, कृष्ण का गुण अनुकीर्तन, श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित तुलसी और चंदन सूंघना, श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन, कृष्ण संबंधी वस्तु या व्यक्ति का स्पर्श और कृष्ण दर्शन आदि क्रियाओं के द्वारा अपनी कृष्ण अनुरक्ति को उद्दीपित करो। धीरे धीरे तुम्हारे समस्त कर्म कृष्ण को अर्पित होने पर वे भाव उदय के पथ में बाधक ना होकर सहायक हो पड़ेंगे। प्रश्न, यदि शरीर की रक्षा के लिए कुछ कर्म भी करता जाऊं और साथ ही वासनाओं की निवृत्ति भी करता रहूं, तो ज्ञान समाधि द्वारा कृष्ण भक्ति उत्तम रूप में साधित हो सकती है या नहीं?
उत्तर नहीं। चिद्गत राग इंद्रियों के विषयों से संबंधित होता है। यम नियम और प्रत्याहार आदि के द्वारा इंद्रियों को विषयों से निवृत्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राग को जब तक जड़ विषयों से अधिक रमणीय कोई दूसरी वस्तु ना दिखलाई जाए तब तक वह पूर्व विषयों को छोड़ नहीं सकता। इसलिए यदि राग के प्रभाव के आगे कोई उत्तम विषय रखा जाए तो राग उस उत्तम विषय का अवलंबन कर तद्गत हो पड़ता है और पूर्व विषय को सहज ही छोड़ देता है। अतः पहले जिस प्रणाली को बतलाया गया है वही विमल कृष्ण भजन है। प्रश्न, समल अर्थात अशुद्ध कृष्ण भजन किसे कहते हैं? उत्तर, कर्म के प्रति आग्रह, योग की चेष्टा और निर्विशेष मुक्ति की कामना से युक्त होकर जो कृष्ण भजन होता है उसे समल कृष्ण भजन कहते हैं। इसके द्वारा श्री कृष्ण चरणामृत लाभ रूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न, विमल कृष्ण भजन की विधि संक्षेप में बतलाइए। उत्तर, शरीर और संसार यात्रा निर्वाह के लिए निष्पाप और न्याय संगत जो भी कार्य करो उसे कृष्ण भक्ति में सहायक गौणी भक्ति के रूप में करो। जब भी अवसर मिले कृष्ण का साक्षात अनुशीलन करो। प्रश्न, साक्षात अनुशीलन कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? उत्तर, 9 प्रकार के हैं। प्रथम श्रवण, द्वितीय कीर्तन, तृतीय कृष्ण स्मरण, चतुर्थ पाद सेवन, पंचम अर्चन, षष्ठ वंदन, सप्तम दास्य, अष्ट सखे तथा नवम आत्मनिवेदन। प्रश्न, इन अनुशीलनों का क्या फल होता है? उत्तर, भावोदय और अंत में प्रेमोदय होता है। प्रश्न, प्रेम क्या है? उत्तर, उसे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वह चिन्मय रस है, अतएव आस्वादन के द्वारा अनुभव करने का प्रयत्न करो। प्रश्न, साधन काल में किन किन विषयों में सतर्क रहने की आवश्यकता है? उत्तर, विकर्म अकर्म, कर्म जड़ता, शुष्क वैराग्य, शुष्क ज्ञान और अपराध से सतर्क रहना आवश्यक है। प्रश्न, विकर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं? उत्तर, विकर्म अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ प्रबल पाप ये हैं, 1 द्वेष, 2 निष्ठुरता, 3 क्रूरता, 4 जीव हिंसा, 5 पर स्त्री लोभ, 6 क्रोध, 7 पर द्रव्य में लोभ, 8 स्वार्थ परता, 9 मिथ्या, 10 अवज्ञा, 11 गर्व, 12 चित्त विभ्रम, 13 अपवित्रता, 14 जगत नाश कारे, 15 दूसरों का अपकार। प्रश्न, अकर्म कौन कौन से हैं? उत्तर, नास्तिकता, अकृतज्ञता और महान पुरुषों की सेवा का अभाव। प्रश्न, कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, पुण्य कर्मों को कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें प्रधान ये हैं, 1 परोपकार, 2 गुरुजनों की सेवा, 3 दान, 4 जगत वृद्धि, 5 सत्य, 6 पवित्रता, 7 सरलता, 8 क्षमा, 9 दया, 10 अधिकार के अनुकूल कर्म, 11 युक्त वैराग्य, 12 अपक्षपाती तत्व। प्रश्न, कर्म जड़ता किसे कहते हैं? उत्तर, पुण्य कर्मों के द्वारा जो जड़ीय अर्थ या सुख प्राप्त होता है उसे बहुत है मानकर चिद उन्नति के प्रयत्न से विमुख होना ही कर्म जड़ता है। प्रश्न, शुष्क वैराग्य किसे कहते हैं? उत्तर, चेष्टा करके या अभ्यास के द्वारा जो वैराग्य होता है उसे शुष्क या फल्गु वैराग्य कहते हैं। भक्ति वृद्धि होने पर जो वैराग्य अपने आप स्वयं उपस्थित होता है उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। प्रश्न, शुष्क ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, जो ज्ञान
चित्त तब से कोई संबंध नहीं रखता, उसे शुष्क ज्ञान कहते हैं। प्रश्न, अपराध कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, दो प्रकार के, सेवा अपराध और नाम अपराध। प्रश्न, भजन विशुद्ध कैसे होता है? उत्तर, अनासक्त भाव से संसार में रहते हुए शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सत्संग में श्रवण और कीर्तन करने से भजन विशुद्ध या विमल होता है। दसवां अध्याय, शब्द, प्रत्यक्ष और अनुमान तीन प्रमाण हैं। प्रश्न, प्रमाण किसे कहते हैं? उत्तर, जिसके द्वारा सत्य का निरूपण किया जाता है। प्रश्न, प्रमाण कितने हैं? उत्तर, तीन प्रकार के हैं। प्रश्न, कौन कौन? उत्तर, शब्द, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रश्न, शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? उत्तर, स्वतः सिद्ध ज्ञान अवतार स्वरूप अखिल वेद ही शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण सर्वोत्तम है, क्योंकि इस प्रमाण के बिना प्रकृति से अतीत तत्व के संबंध में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। प्रश्न, क्या प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ईश्वर और परलोक लक्षित नहीं होते? उत्तर, इंद्रियों द्वारा अनुभूत समस्त प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष को देखकर अनुमित ज्ञान को अनुमान प्रमाण कहते हैं। ये दोनों प्रमाण केवल संसारिक ज्ञान ही प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न, ऐसा होने से परमार्थ तत्व के संबंध में प्रत्यक्ष और अनुमान को क्यों स्वीकार किया जाता है? उत्तर, शब्द प्रमाण द्वारा जो कुछ उपलब्ध होता है उसकी सिद्धि कार्य में प्रत्यक्ष और अनुमान कुछ सीमा तक कार्य करते हैं। इसलिए जब ये शब्द प्रमाण के अधीन रहकर कार्य करते हैं, तब उन्हें प्रमाण कोटि में ग्रहण किया जाता है।